सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। हर वक्त स्वयं को एहसास दिलाएं कि आप एक महत्वपूर्ण इंसान हैं और ईश्वर ने आपको किसी खास मकसद से इस दुनिया में भेजा है। याद आना और याद करना दोनों अलग अलग बात है। याद हम उन्हें करते हैं जो हमारे अपने होते हैं और याद हम उन्हें आते हैं जो हमें अपना समझते हैं। जियो उसके लिए जो जीने का एहसास हो, चाहो उसे जो आपको जान से भी प्यारा हो। राह में मिलेंगे तो साथी बहुत, लेकिन साथ उनका दो जिसने भीड़ में बस आपको पुकारा हो। आज का पंचांग 10 अप्रैल 2021 दिन शनिवार, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि, सुबह 6:03 तक रहेगी। इसके उपरांत अमावस्या तिथि प्रारंभ हो जाएगी। पूर्व भाद्रपदा नामक नक्षत्र सुबह 6:46 तक रहेगी। उत्तर भाद्रपदा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 9:21 से 10:54 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:03 से 12:53 तक रहेगा। आज चंद्रमा मीन राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य भी मीन राशि पर रहेंगे। मिथुन राशि 10 अप्रैल 2021 दिन शनिवार, आज आप बहुत खुश होंगे कि आपने अपनी समस्या का हल ढूंढ लिया। बहुत लंबे समय से आप इस परेशानी का सामना कर रहे थे। शांति और समय से इस समस्या का हल निकल आएगा जो कि सभी के हित में होगा। अब आप पूरी तरह से इस मुद्दे को पीछे छोड़ सकते हैं। आज मजे और आराम करने का दिन है। सामाजिक गतिविधियां आज आपके लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आएगी। आपके जीवन में हाल में जो बदलाव आए हैं उनसे भी आपको बहुत खुशी मिलेगी। अपनी आगे की जीवन यात्रा पर ध्यान केंद्रित करें और सफलता की ओर आगे बढ़ते जाएं। इस समय ग्रह गोचर आपके अनुकूल है। आपके आत्मविश्वास और आत्मबल में और अधिक वृद्धि होगी। टेक्निकल क्षेत्र से जुड़े युवा वर्ग को जल्द ही कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त होगी। अच्छा, आपको उत्साह महसूस होगा, फिर भी अपनी जज्बे को खुलकर किसी के सामने ना दिखाएं। अपना लक्ष्य पाने के लिए जो भी प्रयत्न आप कर रहे हैं उनसे संबंधित बातें गुप्त रखना आपके लिए ठीक रहेगा। उच्च शिक्षा से संबंधित निर्णय लेते समय दुविधा महसूस भी हो सकती है, लेकिन एक बार निर्णय लेने के बाद आप पीछे नहीं हटेंगे। युवाओं के लिए दिन की शुरुआत तकलीफदायक हो सकती है, लेकिन दिन के अंत तक महत्वपूर्ण काम पूरे होंगे। पार्टनर द्वारा बोली गई हर बात का गलत मतलब निकालना रिलेशनशिप में तनाव बढ़ा सकता है। मांसपेशियों में खिंचाव और पैरों से संबंधित दर्द तकलीफ देगा। सावधानियां, कभी कभी ईगो की वजह से आप अपना ही नुकसान कर बैठेंगे, इसलिए वक्त के अनुसार अपने स्वभाव में बदलाव लाना भी जरूरी है। किसी नजदीकी संबंधी के साथ छोटी सी बात का बहुत बड़ा इशू बन सकता है। बात करते हैं लव लाइफ की। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर चिंता रहेगी, परंतु आप घर और व्यवसाय दोनों में सामंजस्य बनाकर रखने में सफल भी रहेंगी। आपके व आपके जीवन साथी के बीच में किसी अन्य के आने के खतरे से सचेत रहें। इस बारे में अपने जीवन साथी से खुलकर बात करें, क्योंकि वह अन्य व्यक्ति दिल से आपका भला नहीं चाहता। आज आप होने वाली शादी की तैयारी को लेकर व्यस्त रहेंगे। अगर आप अकेले हैं तो आज आप अपने किसी अभिन्न की शादी की तैयारी में विशेष रूप से व्यस्त रहेंगे। अत्यधिक व्यस्त रहने के बावजूद यह समय आपके परिवार व दोस्तों के लिए यादगार साबित होगा। आज के दिन आपके लिए बहुत अच्छा है। बात करते हैं करियर की। आज के दिन व्यापार में अच्छी बिक्री भी देखी जाएगी। कारोबार में शानदार ऑफर के माध्यम से बिक्री को बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। किसी दूर दराज के क्षेत्र में कोई बड़ा ऑर्डर प्राप्त हो सकता है।
जिसके लिए भागदौड़ करनी पड़ सकती है। कार्य व्यवसाय में आज बीते कल की तुलना में कम परिश्रम करेंगे, फिर भी लाभ की आशा ज्यादा लगाएंगे। नौकरी पेशा वर्ग में ऑफिस के काम में कोई यात्रा देखी जा सकती है। धन की आमदनी के लिए निरंतर प्रयास करेंगे, लेकिन आज शायद धन लाभ नहीं हो पाएगा, फिर भी आपके खर्चे पूरे निकल आएंगे। बात करते हैं सेहत की। अच्छा, आपको आग से बेहद सतर्क रहने की आवश्यकता है। संकेत तो यह है कि आपको आग या गर्म उपकरणों से दूर रहना है। आज आप जल भी सकते हैं, जिसकी वजह से दर्द हो सकता है। अपने आसपास पानी रख सकते हैं ताकि जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल कर सकें। अगर आज आप खुद सावधानी बरतेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। आज का उपाय, आज आप गरीबों को काले तिल का दान करें, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।